जब से मैं उसे जानती हूं उसका एक ही मकसद रहा है, ब्रह्मांड की तबाही। और अगर सारे अनंत मणि उसके हाथ लग जाए तो फिर वो ये आसानी से कर देगा, बस चुटकी बजा दे। नाम क्या बताया उसका? थानोस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको देने वाले हैं वो न्यूज़ जिस न्यूज़ के लिए मार्वल के सभी फैन काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और सबके मन में एक ही सवाल था कि अब एंड गेम के बाद क्या, यानी मार्वल के फेज 4 में हमें कौन सी मूवीज देखने को मिलेंगी। तो कल से सैन डियागो कॉमिक कॉन के इवेंट शुरू हो गए हैं और कल केविन फाइगी ने फेज 4 के बारे में कई सारे नए अपडेट्स भी दिए हैं। और हमें अब पता चल चुका है कि फेज 4 में कौन सी मूवीज आने वाली है, वो भी पूरी कन्फर्मेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के बाद अब इन्फिनिटी वॉर सागा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और इसके बाद शायद ही हमें कभी मूवीज़ में थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स देखने को मिले। तो अब बात करते हैं फेज 4 की। तो कल के इवेंट में केविन फाइगी ने 10 से भी ज़्यादा मार्वल की मूवीज़ और टीवी शोज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। तो इनमें कुछ मार्वल की मूवीज़ है तो इनमें कुछ मार्वल के टीवी शोज़ भी है जो डिज्नी प्लस पर आने वाले हैं। तो अगर आप भी नहीं जानते कि डिज्नी प्लस आखिर है क्या, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको जानना हो कि डिज्नी प्लस आखिर है क्या, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वो वीडियो ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा है, आप उसे भी टैप करके देख सकते हैं। इससे आपको डिज्नी प्लस के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं फेज 4 की पहली मूवी की। तो फेज 4 की जो पहली मूवी आने वाली है वो है ब्लैक विडो, जो कि रिलीज़ होने वाली है 1 मई 2020 को। और इस मूवी की स्टोरी पास्ट में सेट है और ये मूवी ब्लैक विडो की पहली सोलो मूवी है जिसमें हमें ब्लैक विडो का ओरिजिन बताया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की। तो वो मूवी है द एटरनल्स। तो ये मूवी अर्थ से रिलेटेड नहीं होगी, बल्कि ये मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी होगी, जहां हमें थानोस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि थानोस भी एक इटरनल है। तो ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 6 नवंबर 2020 को। तो अब हम बात करते हैं मार्वल के कुछ टीवी शोज़ की जो डिज्नी प्लस पर आने वाले हैं, क्योंकि ये शोज़ मार्वल की फ्यूचर की मूवीज़ पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का पहला शो है वांडा विजन, जो कि रिलीज़ होगा स्प्रिंग 2021 में। तो ये सीरीज़ और बाकी मार्वल की सीरीज़ आप डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शो की। तो जो दूसरा शो आने वाला है वो है लोकी का शो। ये शो भी रिलीज़ होगा स्प्रिंग 2021 को। इस शो की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस शो में हमें दिखाया जाएगा कि एवेंजर्स एंड गेम में टेजरैक लेके भागने के बाद लोकी ने क्या क्या किया, और काफ़ी लोग भी इस स्टोरी को देखना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला शो आने वाला है वो है हॉकाई का। इस शो में हमें दिखाया जाएगा कि हॉकाई कैसे अपनी बेटी को एक तीरंदाज बनाता है। इस शो में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि क्या सच में हॉकाई ने रिटायरमेंट ले ली है या नहीं। ये शो रिलीज़ होगा सितंबर या अक्टूबर 2021 में। और इसके बाद हमें ब्लेड की भी एक वेब सीरीज़ डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर ये टीवी शो भी देखने को मिलेगा। और इस शो में हमें एंडगेम के बाद के कुछ एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे जो सैम और बकी ने किए हैं। ये शो भी रिलीज़ होगा सितंबर या अक्टूबर 2020 में। अब बात करते हैं अगली मूवी की। तो ये मूवी है शैंगची की, जो कि रिलीज़ होगी 2 दिसंबर 2021 को। और इस मूवी का टाइटल है शैंगची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। तो शैंगची एक नए सुपर हीरो की मूवी होगी जिसमें हमें शैंगची का ओरिजिन देखने को मिलेगा। और इस मूवी का विलन हो सकता है मैंड्रिन, जिसे हमने आयरन मैन 3 मूवी में देखा था, पर वो असली नहीं बल्कि फेक था। पर असली मैंड्रिन भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, और हो सकता है कि जिस स्टोरी को आयरन मैन 3 में अधूरा छोड़ दिया गया था वो स्टोरी भी इस मूवी में आकर कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज 2। और इस मूवी का टाइटल है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी है और इस मूवी का टाइटल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हो सकता है कि इस मूवी का विलन मल्टीवर्स से हो, वो डोरमामू भी हो सकता है या फिर वो नाइटमेयर भी हो सकता है। ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 7 मई 2021 में। मार्वल की ज़्यादातर मूवीज़ और टीवी शोज़ 2021 में ही रिलीज़ होने वाले हैं। और रूमर के अकॉर्डिंग ये मूवी एक हॉरर मूवी होने वाली है। और इस मूवी में हमें प्रॉपर मल्टीवर्स भी दिखाया जाएगा। और इस मूवी में हमें स्कारलेट विच यानी वांडा का कैरेक्टर भी नज़र आएगा। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड मूवी की, जिसके लिए हम मार्वल के फैन काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।
और उस मूवी का नाम है थॉर 4, और इस मूवी का टाइटल होगा थॉर लव एंड थंडर। ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 5 नवंबर 2021 को, और इस मूवी में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसे हमने अभी तक नहीं देखा। और इस मूवी की स्टोरी लाइन ली गई है माइटी थॉर स्टोरी लाइन से। इस मूवी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो की गई है वो ये कि जेन फॉस्टर का कैरेक्टर, जो हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद देखने को नहीं मिला, और ये रोल प्ले करती है नेटली पोर्टमन, वो भी इस रोल के लिए वापस आने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि जेन फॉस्टर फीमेल थॉर का रोल प्ले करने वाली है, तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जेन फॉस्टर फीमेल थॉर का रोल कैसे करती है। तो इन सभी मूवीज़ और शोज़ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन मूवीज़ को और शोज़ को कौन डायरेक्ट करने वाला है, और इन मूवीज़ और शो की क्या कास्टिंग होने वाली है। उस वीडियो में ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अब बात करते हैं उन मूवीज़ की जिन्हें फेज 4 में कंफर्म नहीं किया गया है, बस इन मूवीज़ पर बात ही की गई है, जो कि है फैंटास्टिक 4, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, कैप्टन मार्वल 2, ब्लैक पैंथर 2, और द न्यू अवेंजर्स, और एक्समैन की भी मूवीज़ जो कि इंट्रोड्यूस होने वाली है मार्वल में। तो ये मूवीज़ भी फ्यूचर में आने वाली है, पर ये मूवीज़ कब रिलीज़ होने वाली है ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। बस केविन फाइगी ने यह बताया है कि इन मूवीज़ पर भी जल्द काम शुरू होगा, तो ये तो पक्का है कि फ्यूचर्स में ये सारी मूवीज़ हमें देखने को मिलेंगी। अब ये मूवीज़ हमें हो सकता है कि 2022 के बाद ही देखने को मिले। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय एंड बी सेफ।